सही तौर पर दीन इस्लाम के ऊपर चलने वाली बन जाए, कैसे वो दीन की मुबादियात को समझने वाली बन जाए और इस माशरे के अंदर कैसे वो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के हामिल बन जाए। यकीनन ये सब हम सब की फिक्र का सोच का मामला थी और इसी वजह से ये समर कैंप भी शुरू किया गया। ये हमारा तीसरा समर कैंप था और पिछले समय से अभी करवाते रहे, उस पर भी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत इंगेजिंग था और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और यकीनन हमारा भी इन सब के साथ ऐसा ताल्लुक बन चुका था कि यानी बीच में भी ऐसा फिर लग रहा था कि जैसे किसी चीज़ की कमी है। जैसे कि समर कैंप खत्म हुआ ना 8 दिन का, तो ज़ाहिर इंसान जब किसी के साथ वक्त गुजारता है तो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में ताल्लुक की नोयत में भी इजाफा होता है और फिर जब वो दरमियान में मुनकते होता है सिलसिला तो इंसान को उस चीज़ का एहसास होता है। तो जितने भी माशाल्लाह बच्चे हैं, भाई हमाद हैं, भाई हमाद दिखे ये इधर जहाँ बस नवाबपुर के पास रहते हैं, ये अपने 4-5 दोस्तों को साथ लेकर आए। तो यानी एक बंदा वो खुद भी खैर बनाने का जरिया बन रहा है लेकिन उसकी वजह से दूसरों को भी इस मुआवत मिल रही है और हमने कोशिश की है कि इन बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करें जिसके अंदर एक तो ये
دین کے بنیاد ان کی مضبوط ہو جائے ابھی سے, ابھی سے ان کو واضح ہو جائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کرنے والی ہیں. ہمارے سامنے کوئی بھی چیز گری ایریا میں نہ رہے بلکہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بالکل واضح ہو. کیونکہ آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قدر فطروں کی پروار ہو رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ فتنے تم پر ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے برس رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے سوشل میڈیا کو دیکھیں اور اس کے علاوہ آپ اور مختلف جتنے بھی ٹولس وغیرہ ہیں اور یہ جو پلیٹفارمس ہیں ان کو دیکھیں, تو ہر طرف سے اگر ہمارا دیکھا جائے تو ان بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. Yeah.